हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश और आप सभी का फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप एक एयरटेल रिटेलर हो, एयरटेल अर्जुन प्रतिनिधि हो, एयरटेल प्रमोटर हो और आप यहाँ पे एयरटेल का MNP करते हो तो आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, साथ ही साथ हेल्पफुल और नॉलेजफुल भी होने वाला है। तो वीडियो पर बने रहना और वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। बट उससे पहले, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को फटाफट लाइक करके चैनल को बिल्कुल ही फ्री में सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर प्रेस कर देना, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल पाए और आप इस तरीके का इंफॉर्मेटिव और नॉलेजफुल वीडियो यहां पर रोजाना देख पाओ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने जो है जियो कस्टमर का सिम कार्ड को, BSNL कस्टमर का सिम कार्ड को या फिर यहाँ पर जो है वोडाफोन आइडिया वी कस्टमर का सिम कार्ड को आपने एयरटेल में पोर्ट किया था, आपने जो है एयरटेल में MNP किया था, लेकिन यहाँ पर जो है कस्टमर का सिम कार्ड चालू हुआ, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ दिनों चलने के बाद यहाँ पर जो है अचानक से यहाँ पर कस्टमर का टावर अचानक से हट गया है, या फिर यहाँ पर कह लें कि यहाँ पर जो आपने MNP किया था उस पर जो है टावर आया ही नहीं और पुराने वाला सिम कार्ड से भी टावर चला गया है, तो ऐसा क्यों हुआ है और इसका यहाँ पर जो है प्रॉब्लम का यहाँ पर सोल्यूशन क्या है, तो चलिए यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले डिटेल से बता दूं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही यहाँ पर जो है इस तरह का यहाँ पर प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पर जो है कस्टमर का सिम कार्ड को रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने के लिए आपको अपना एयरटेल का मित्र ऐप एप्लीकेशन पर जाना है और आपको सिम स्वैप का ऑप्शन, जो डिजिटल सिम स्वैप का जो ऑप्शन होता है, वहाँ पर जाके आपको रिप्लेस करना है। लेकिन जब आप यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हो और वहाँ पर उसका डेटा नॉट फाउंड यहाँ पर करके आ रहा है आपको मैसेज, तो आप क्या करते हो कि यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले आपको डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे जाना है और वहाँ पर जाके आपको अपना नंबर को रिप्लेस करवाना है। अगर उनके पास भी यहाँ पर डेटा नॉट फाउंड आ रहा है और उनके पास कोई डिटेल नहीं है, तो आपको सीधा एक ही काम करना है कि आपको जो हेड ऑफिस होता है, जो आपके एरिया का जोन होता है, पर आपको जाना है और वहाँ पर जाके आपको ये बताना है कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है कि हमारा जो है यहाँ पर हमने एयरटेल में पोर्ट किया था, MNP किया था और कुछ दिनों चलने के बाद यहाँ पर जो है अचानक से हमारा जो है कार्ड से टावर हट गया है। और उसके बाद आपको वहां पर जाने से पहले आपको करना है कि आपने जो डॉक्यूमेंट देकर यहां पर जो है सिम कार्ड को यहां पर एयरटेल में पोर्ट करवाया था, एयरटेल में MNP करवाया था, वो डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेके जाना होगा। अगर आपने यहां पर जो है आधार कार्ड के द्वारा किया था तो आधार कार्ड ले जाना है, वोटर आईडी के द्वारा किया था तो वोटर आईडी ले जाना है, या फिर यहां पर DL के द्वारा किया था आपने सिम कार्ड को चालू तो DL को लेके जाना है। जो भी डॉक्यूमेंट के द्वारा यहां पर आपने जो है सिम कार्ड को चालू करवाया है, पोर्ट करवाया है, वो सिम कार्ड को पर निकालने के लिए आपको उसी डॉक्यूमेंट को यहां पर लेके जाना होगा। और यहां पर जैसे ही आप लेके जाओगे तो आपको वहां पर अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यहां पर जो है आपको अपना प्रॉब्लम सबसे पहले बताना है, और जैसे ही आप अपना प्रॉब्लम बताओगे तो वहां पर जो हेड ऑफिस का, जो जोन का यहां पर जो अधिकारी होते हैं, वो आपका यहां पर डिटेल निकालेंगे। और अगर आपका यहां पर जो है आपका नंबर चर्न हो गया है या फिर किसी कारणवश यहां पर जो है आपका सिस्टम में शो नहीं कर रहा है, तो वो वहां पर डायरेक्ट यहां पर जो है अपने सिस्टम से रिप्लेस करके देंगे और आपको जो ये सिम कार्ड चालू होगा वो यहाँ पर 7 दिनों के समय यहाँ पर लगेंगे और 7 दिनों के अंदर अंदर जो है आपका सिम कार्ड चालू हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर जो है समय अधिक लग सकता है, यानी कि 7 से 10 दिनों का भी यहाँ पर समय लग सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है 101% आपका यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा और आपका जो प्रॉब्लम था, यानी कि जो आपका सिम पे टावर नहीं था, उसके जगह पर आपको नया सिम रिप्लेस करके दिया जाएगा और उस पर आपका टावर आ जाएगा। जो भी नंबर आपका सेव था वो नंबर आपका सिम से हट जाएगा, लेकिन जो बैलेंस वैलिडिटी वगैरह बचा हुआ होगा वो यहाँ पर आपको रिफंड आ जाएगा और आपका यहाँ पर जो है आपका जो भी यहाँ पर मैसेज वगैरह है वो यहाँ पर 24 घंटे तक, यानी कि 24 से 48 घंटे तक आपका यहाँ पर जो है मैसेज सर्विस यहाँ पर बंद रहेगा, ना ही आप मैसेज सेंड कर पाओगे और ना ही आप यहाँ पर मैसेज रिसीव कर पाओगे, लेकिन यहाँ पर आपका जो टॉक टाइम वगैरह रहेगा वो यहाँ पर रिटर्न आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के जरिए मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला था। ये प्रॉब्लम जो है बहुत सारे ऐसे रिटेलर के साथ आते हैं जो नए नए रहते हैं और यहाँ पर जो है किसी किसी ऐसे रिटेलर के साथ भी ये प्रॉब्लम को झेलना पड़ता है, यानी कि उनको फेस करना पड़ता है, जो यहाँ पर एयरटेल के बहुत ही पुराने रिटेलर होते हैं लेकिन इसके बारे में उनको जानकारी नहीं होता है, जिसकी वजह से वो अपना यहाँ पर कस्टमर को जो है नहीं बता पाते हैं जानकारी और वो कस्टमर यहाँ पर हताश हो जाता है, निराश हो जाता है और यहाँ पर जो है वो अपना पुराना नंबर जो बैंक वगैरह में जुड़ा हुआ रहता है वो नंबर को यहाँ पर कस्टमर खो देते हैं और जानकारी नहीं होने की वजह से है यहाँ पर जो है कस्टमर को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम का यहाँ पर सामना करना पड़ता है।
तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के जरिए मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला था। तो आपको वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो इस वीडियो को भी कभी लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, खास करके यहाँ पर जो एयरटेल के न्यू रिटेलर हैं उनके साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको वीडियो से रिलेटिव किसी प्रकार का सवाल या सुझाव तो आप हमारे कॉमेंट सेक्शन पर कॉमेंट करें, नहीं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मेरे से डायरेक्ट यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम जो भी डाउट हो उसे यहाँ पर आप क्लियर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को फटाफट लाइक करके चैनल को बिल्कुल ही फ्री में सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर प्रेस कर देना, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल पाए और आप इस तरीके का इंफॉर्मेटिव और नॉलेजफुल वीडियो यहाँ पर रोजाना देख पाओ। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय हिंद।